afternoon guys, what's up? This is Shubhadeep and you're watching the Cruise Life. So, first of all, मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद मैं अपलोड किया. It's been more than 2 weeks, I guess so I'm really sorry for that. Actually, मैं busy था for some work purpose. I went to Kolkata, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम पड़ गया, so हो नहीं पाया. So I'm really sorry for that. Please माफ़ कर देना मेरे को. सो बेसिकली आज का टॉपिक जो है आप लोग को तो टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया है. सो लेट मी से यू वंस अगेन, आई एम गोना डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी एक्सेसरीज, ईच एंड एवरी गियर्स विच आई यूज, विच आई वेयर व्हाइल आई एम ऑन माई राइड. सो सीट बेल्ट बांध के रखिए, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. ऑलराइट गाइस, सो नीचे बैठ गया यही बेहतर है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द हेलमेट्स, ओके, ये लास्ट ईयर मैं खरीदा था स्टील बर्ड एयर. जब मैं फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, ये हेलमेट से स्टार्ट किया था. ये स्टील बर्ड का मैंने लिया था गुवाहाटी से जब मैं मेघालय गया था. मेघालय का व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर में आई बटन में आ रहा है शायद तक, सो डू वॉच दैट. सो दिस इज स्टील बर्ड एयर नॉर्मल हेलमेट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. इट केम अराउंड 1600 आई गेस. सो अगर लिंक मिल जाए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. उसके बाद मैंने जो हेलमेट खरीदा वो है SMK का ट्विस्टर मॉडल वाला हेलमेट. ये अराउंड 4000 या 3800. इसका भी मैंने मतलब एक वीडियो बनाया अलग से, यू कैन वॉच दैट इन द आई बटन लिंक आउट देयर. आई डोंट नो दिस साइड एनीवेयर. सो बेसिकली ये एक अच्छा, मतलब ये थोड़ा प्रो लेवल का हेलमेट है क्योंकि इसमें पिनलॉक वाइजर है, एंटी फॉग ग्लास है. ऑल्सो इनसाइड यू हैव दिस हेलमेट सनग्लास काइंड ऑफ थिंगी, बट आई स्टॉप्ड वेयरिंग दिस बिकॉज इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता था. एक्चुअली ये एक्सेल साइज का SMK का हेलमेट है, बट मैं जब पहनता हूँ इसको मतलब बहुत टाइट होता है, ठीक है. सो Fat guys, healthy guys, जो थोड़ा मतलब face से थोड़ा मोटा है, it's not recommended for you guys because आप पहन पाओगे but it won't be comfortable in the long ride, okay. So that's why I won't recommend this one. Next up comes my latest steel bird hands free. ये मतलब ये काफ़ी अच्छा helmet है, ठीक है. Like it's normal, cushioning and all is normal just as of the steel bird air. बट इसका जो एडवांटेज है, इसमें आपका ऑक्स केबल है जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो. मेरा सबसे बड़ा चीज़ जिसके लिए मैं ये हेलमेट लिया हूँ, जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग माई ऑडियोज ऑफ द मोटो व्लॉग्स ऑब्वियसली, क्योंकि आपको तो पता ही है, आप लोग ने मेरा पहला व्लॉग्स अगर देखा है तो आपको पता है कि मेरा GoPro का माइक ख़राब हो गया, माइक एडाप्टर ख़राब हो गया. सो बेसिकली दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन एज एन ऑल्टरनेटिव एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने GoPro से कॉन्टैक्ट भी किया, GoPro ने दूसरा माइक एडाप्टर भी भेजा, दैट वन ऑल्सो डजेंट वर्क. सो कितना करूँ मैं अभी, कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो कंटिन्यू करना पड़ेगा. सो दिस आर द 3 ऑफ माई हेलमेट्स. नया कलेक्शन भी आ रहा है, आई एम प्लानिंग टू बाई प्रीमियम, वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है. नेक्स्ट कम्स द ग्लव्स. क्या क्या ग्लव्स है मेरे पास, इसका आपको पता है, द स्कॉयको वाटर प्रूफ थर्मल ग्लव्स. ये सिर्फ नाम का ही थर्मल ग्लव्स है, 3000 का मेरे को पड़ा था, 3000 मेरा पूरा वेस्ट गया क्योंकि ये ना ठंड से बचाता है ना ये वाटर प्रूफ है, थोड़ा पानी भी अंदर घुस जाता है. सो आई वॉज लाइक मेरे को बकरा बनाया गया, ठीक है. सो डोंट बाय दिस ग्लव्स नेवर. स्कॉयको हम मॉडल तो नहीं है, वाटर प्रूफ लिखा है यहाँ पे, स्कॉयको ऐसा है कि स्कॉयको थर्मल वाटर प्रूफ ग्लव्स, ठीक है. ऐसा कुछ ग्लव्स आप खरीदे मत. श्री परमेश्वर से मैं ये ख़रीदा था सिलीगुड़ी से, मेरे को बोला गया था कि ये वाटर प्रूफ रहेगा, ये आपको थर्मल भी रहेगा, नन ऑफ इट वर्क्स. पूरा बारिश हुआ था तो पूरा भीग गया एंड ठंड भी लगता है. सो बेसिकली डोंट गो फॉर इट. नेक्स्ट कम्स द टारमैक. 1100 का पड़ता है पेयर, मैं कोलकाता से वेलिंगटन से लिया था. बेसिकली ये वाटर प्रूफ नहीं है ना ही ये आपका क्या बोलते हैं थर्मल है, बट इसको आप पहन सकते हो हर जगह. ऑब्वियसली बर्फ़ में नहीं पहन सकते हो, ठंड जगह में नहीं पहन सकते हो, बट इट वर्क्स लाइक ए चार्म, लाइक इट वर्क्स लाइक इट हैज सो नाइस एयर वेंट्स आउट हियर. ये बहुत अच्छा है, स्टाइलिश भी है. सो बेसिकली आई बॉट दिस फॉर दिस रीज़न, ओके. नेक्स्ट अप कम्स माई ये छोटा 200-300 का ग्लव्स है. ये लाइक ये तो आपको पता ही है, हर कोई ये यूज़ करता है, प्रो बाइकर इससे सब कोई ग्लव्स पहनना शुरू करता है. इससे मतलब इन बंगाली उसे हाथे खोड़ी राइट, है ना, द सेम टाइप ऑफ द
200 या 250 का ग्लव्स है, ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा कुछ भी अच्छे। सो नेक्स्ट कम्स द नी पैड एंड एल्बो पैड। ये मैं 1400 से खरीदा था, गुवाहाटी से खरीदा था जब अरुणाचल के पहले, अरुणाचल जाने के पहले। आई डोंट थिंक द ओरिजिनल वन कॉस्ट सो लेस, क्योंकि 1400 में तो नहीं आएगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट अप, दिस इज वन यूनिक स्टफ गाइज, दिस इज वन यूनिक स्टफ। ये आपको तो पता ही है, मेरे अरुणाचल के व्लॉग्स में आप देखे हो, मेरे नॉर्थ सिक्किम के व्लॉग्स में भी आप देखे हो। ये भैया मैं एक बात कहूँ, मैं फुल गुरुद्वार का जो राइड है इससे मैं किया, मतलब विदाउट ग्लव्स। आई ओनली वोर दिस, लाइक इट वॉज ऑन द हैंडल, आई ओनली पुट माई हैंड्स इन साइड दिस एंड फुल गुरुद्वार बर्फ था, मैं इससे मेरा काम चल गया। मैं सो बेसिकली लाइक ये इज सो कम्फर्टेबल इन साइड ना, इन द अंदर पूरा वुलन टेक्सचर है, ऊपर लेदर है, इट वर्क्स लाइक ए चार्म गाइज। I would recommend this to you guys. About the next product, this is a charm, this is a beauty guys, this is a beauty. ये जो बचाते रहा आपका बम को यार, मैं क्या कहूँ यार, ये जो आपका बम को जो बचाता ना, ये फेगो फ्लोटिंग सीट्स, ये मतलब राइड ऑन एयर जो है, राइड ऑन एयर वाला थोड़ा कॉस्टली आता है, बट फेगो फ्लोटिंग सीट्स जो मस्त है ना यार, थोड़ा हवा भर लो अंदर, ऐसे बैठोगे ना बाइक में ऐसे लगेगा कि यू आर लाइक सिटिंग ऑन द एयर, बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन 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 डोंट थिंक दैट इसको लेके आप 24 घंटे बाइक चलाओगे तो कुछ नहीं होगा। अगर नॉर्मल बाइक में एक घंटे के बाद आपके बम में दर्द होता है, इसको सेट करने के बाद एक घंटा के जगह आपको 2 घंटा में दर्द होगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, भावनाओं को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके बाद आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो Alright guys, so coming to the jackets right now, this is the Rhinox Tornado Pro. आप लोग को पता ही है ये कौन सा जैकेट है मैं जो पहनता हूँ। आई वेयर दिस जैकेट लाइक ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी वीडियोस, ठीक है। सो दिस इज द Rhinox Tornado Pro, ये बहुत ही अच्छा जैकेट है। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी गाइज, लाइक इफ योर बजट इज अराउंड 8 to 10K, I would recommend that just go and buy this Rhinox Tornado Pro. इसका दूसरा कलर भी आता है, I have taken the white one. एक फ्लोरेसेंट कलर का आता है, रेड आता है और एक कलर आता है, आई गेस सो, आई फॉरगॉट। इफ आई गेट द लिंक आई विल पुट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक इट आउट देयर इफ यू ईगर टू बाय इट। इसको छोड़ के मेरे पास और एक जैकेट भी है जो वेगा का है, वो अराउंड 4K मेरे को मिला था, 4K में मिला था। दैट वन इज विद अ फ्रेंड राइट नाउ, वो एक्चुअली लेके गया है उसके पास, वो उसके पास जैकेट नहीं है, सो बेसिकली वो राइड में गया है मेरा जैकेट लेके। सो वो भी अच्छा है काफ़ी, लेकिन उसमें कोई लेयर्स नहीं है। इसमें आपका 3 लेयर्स आता है अंदर, जो अभी ऑब्वियसली खुल के रखा है, एक रेन लेयर आता है, एक थर्मल लेयर आता है और ये जो नॉर्मल है, और उसमें कोई लेयर नहीं आता है। नेक्स्ट अप इज़ द राइडिंग पैंट, ये मैं दूसरा का प्रमोट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये राइडिंग पैंट भी Rhinox का है, एयरटेक आई थिंक सो इसका मॉडल नंबर है, एयरटेक समथिंग। एक्चुअली ये राइडिंग पैंट जो है ये मेरा नहीं है, ये आप Rhinox देख सकते हो, ठीक है। ये बावाइदा का है, बावाइदा से मैं उधार में लिया हूँ, भैया बावाइदा मेरे को दे दो, मैं राइड में जा गुरुदंगमार के पहले मैं ये लेके गया था। बेसिकली बहुत अच्छा जैकेट है, लाइक इट्स काइंड ऑफ रेन प्रोटेक्टिंग आउट हियर एंड यहाँ पे थोड़ा मैश है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली रेन प्रोटेक्ट नहीं होगा। सो ये जैकेट, ये पैंट जो है ये बहुत ही अच्छा पैंट है, कंफर्टेबल पैंट है। यहाँ पे भी आपका पैडिंग है, यहाँ पे पैडिंग है एंड या ये दोनों जगह आपका पैडिंग है, सो इट विल प्रोटेक्ट योर लेग्स द बेस्ट वे इट कैन। ओके सो अभी लगेज में आता है। बेसिकली ये है मेरा गॉट्स का टैंक बैग। ये थोड़ा गंदा है क्योंकि बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ मैग्नेटिक वन, ये सिर्फ रोप से लगता है, रोप मतलब वो जो होता है ना, ये जो देता है इसके साथ, उसे लगता है ये मैग्नेटिक नहीं है। यही मेरा एक ही टैंक बैग है, ये मैं पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टैंक बैग है, क्वाइट नाइस। ऑल्सो यू गेट अ रेन कवर विथ इट, इफ रेन ऑकर्स यू कैन पुट इट देयर। नेक्स्ट अप आर माई ड्राई स्टैक सेल बैग, Rhinox ड्राई स्टैक, आपको पता है इट्स अ नाइस बैग। इट्स इसके साथ भी वाटरप्रूफ एक कवर देता है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि ये ऐसे ही वाटरप्रूफ है, ठीक है। लेट मी शो यू, देखो इसके ऊपर एक कवर है, ये जो मेन लीड है ये गया, ये खुला, यू हैव टू राउंड इट अप, उसके ऊपर और एक दिस वेलक्रो काइंड ऑफ थिंग। ओके सी दिस ऑल्सो, देखो ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक काइंड ऑफ लाइक इट्स वाटरप्रूफ मटेरियल, इसको आपको मतलब
टच करने से आपको पता चल जाएगा. एंड इट्स ऑल्सो इन फ्लोरोसेंट कलर, सो रात में दिखने में थोड़ा ईजी हो जाएगा आप लोग को. नाइस बैग, वेरी स्टर्डी, कुछ नहीं हुआ बैग को अभी तक. इट्स बिन मोर देन अ ईयर आई एम यूजिंग दिस बैग. थम्स अप राइनॉक्स, कभी मेरे को भी थोड़ा स्पॉन्सर वॉन्सर किया कर. 600 सब्सक्राइबर नहीं हुआ, इसको स्पॉन्सरशिप चाहिए. 6 लाख से भी नहीं मिलता क्या? ओके, सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय गॉड्स घोस्ट बैकपैक. काफ़ी अच्छा बैग है. यू गेट लाइक 13 या 14 पॉकेट्स विथ इट. यू हैव अ लार्ज ऑफ लॉट ऑफ स्पेस. यू हैव लैपटॉप स्पेस. यू कैन कैरी ईच एंड एवरीथिंग इन दिस बैग. ऑल इन वन द बेस्ट राइडिंग बैग यू कैन से. ओके, टूल किट वूल किट सब कुछ कैरी कर सकते हो. यू कैन कैरी ईच एंड एवरीथिंग. ओके ओके गाइज, सो दिस वेयर सम ऑफ माई, नॉट सम ऑफ माई बट ऑल ऑफ माई एक्सेसरीज विच आई यूज फॉर राइड्स. सो वीडियो एंड करने के पहले एक चीज़ मैं और एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ. तो बेसिकली अभी एक विशेष घोषणा है कि आप लोग को पता है आई सोल्ड माई बाइक. आप लोग ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है, लाइक लास्ट व्लॉग विथ इट नहीं देखा है तो यू कैन, आई आ रहा है कहीं पर भी, ठीक है. सो विशेष घोषणा ऐसा है कि अभी नया बाइक तो लूँगा मैं. ऑब्वियसली बाइक के बिना तो मैं नहीं रहने वाला हूँ, ठीक है. सो अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेट में हूँ क्योंकि एवरीथिंग इज़ अंडर प्रोसेसिंग. लाइक कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है. सो मैं भी कन्फ्यूज्ड हूँ. सो आप लोग को मैं इतना बता देता हूँ कि इन द कमिंग वीक और द वीक आफ्टर दैट आपके भाई के पैरों के नीचे, आपके भाई के पिछवाड़े के नीचे एक नया बाइक रहेगा, ठीक है. बस इतना ही कहना है. This is the end of the vlog and this is Shubhadeep and you're watching The Cruise Life. Keep watching, ride hard, ride safe. Don't forget to, okay. And also, if you haven't subscribed, please, bye-bye.